लखा करोड़ा दरूद सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुनिया आल पर मौजूद नाज़रीन से तकनीक कश्मीरी बैठक ते मैं सुना मेज़बान साकिब नवाज कश्मीरी उम्मीद करना दी सारे दोस्त अहबाब भैणा पर अल्लाह ताला ने फजल करम ते शुक्र नाल ठीक ठाक होसो खैरो फियत नाल होसो ते अपनी जिहड़ी जिंदगी है ओ ऐसे अंदाज़ नाल गुज़ारने पे होसो माशाल्लाह जनाब दिन इंतहाई खूबसूरत है और सुबह सुबह टाइम है प्लाग इच माशाल्लाह ब्यूटीफुल पूछो या ना पूछो बाबा तुना तैयार हो गया था काला जोड़ा पास हड़ी फरमाइश थे सो आज वापस एक बार फिर काला सूट लाया तो पट्टी हुई है और इसने रंग काला चेंज देना सा कर सकना ना बाकी सुरे सुरे जा गए हैं तैयार शुरू हुई हैं जनाब सबसे पहला कम था कैसा चैनल चैनल सब्सक्राइब करो अगर फेसबुक यूज़र तो वीडियो की लाजमी शेयर करो अगर टिकटॉक पर फॉलो कर ही रहे हो तो जनाब वीडियो की रीपोस्ट कर उड़ा करो अल्लाह ताला से सारे सलामत रखे बाकी गलत बात उस नीचे जुली है नाश्ते से आगाज होना होना ना जरा दिन ना उस तो पहले तो दिन आगाज नहीं हो सकना ना उस तो कहते ना उस तो पीछे और गलत बात उस लेकिन उस तो पहले वेलकम टू द न्यू व्लॉग जी भैन ब्रो वेलकम हो गया सारे कि नवे तो खूबसूरत जे किस्म के व्लॉग ने अंदर खूबसूरत जे बार मौसम बचों स्टोरी है कि बाबा सुन आई गया किचन से बेगम साहब का कल थे कोई नहीं सो नाश्ता खुद बनाना पे सी चाह वाला सब बनाई सी आई थिंक थोड़ी बहुत थी है इस साल काम चलाई गई इंसान सिर्फ अंडे शंडे जो ना ही ना कि कोई फेंटने फाट रहे हैं तो ऑमलेट तैयार करने हूँ आती है कि नाल क्या दसा तो फोन साइड पर रखने सारा कुछ तैयार करके दसो बाद मिल रहा है आ गया जी सड़ा बेहतरीन जे किस्म ना नाश्ता सो नाश्ता एंजॉय करने तक कि ना पापा सुना ने कथे लगी हुई है लेकिन फिर भी कथे ना कितना प्यारा जब मैं ऑमलेट टाइप एग बनाया मतलब ऑमलेट तो नहीं क्योंकि इसमें प्याज टमाटर कोई नहीं पर फिर भी राउंड शेप एंड परफेक्ट कुक्ड एग तैयार है जनाब सो इसकी एंजॉय करना है अलहमदुल्ला जी नाश्ता करी क्या बड़े जबरदस्त जी किस्म ना तो गड्डी से बाहर नजर आ रही उसी जब कि मैं तो बाहर हूं आया तो बार सब गड्डी बार गड्डी भी पहले इसकी टाकी टूकी मारी तो खिलाई उड़ा ने क्योंकि आज असा जुलना है जनाब मेरे पर आजाद कश्मीर जो भी तैयार हूँ तो मैं तो त्याई त्याई तैयार हूँ बाकी गड्डी स्टार्ट करने हैं गेट खोलने हैं अगर नकाश साहब मौजूद हैं उन्होंने भी जुलसा नाल कोई कम काज पड़े तो मेरे पर करने एक तवील लिस्ट है वो मकासा तो मैं कट्ठे जुले सारे अपने अपने कम काज करिए बाकी सारे तैयार हो बस और नकाश साहब तैयार होने जाके मसन छुते हुए बड़े लोग हमेशा लेट ही जागना होना है ना सो बाकी बहने गड्डी ते जुलने जनाब मीरपुर आजाद कश्मीर की तरफ आसा मीरपुर फिर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी गड्डी चे पापा सोना बी गया वाले साहब आने में गेट खोलना तो सा जनाब गड्डी की स्टार्ट करो मैं जी चलो डन हो गया सो नकाश साहब ना देर सी हमेशा गल्ला ही करने रहना मैं सवेरा सरगीला जागना सुहागा सरगीला जागना साढ़े नौ नौ टाइम होना लगा हुआ तो हूँ तैयार होया जाना पर चलो तैयार तो हो ही गया ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब अल्लाह ताला ने बबरकत नाम से अपने सफर ना आगाज हो गया कमरा पर लासा पहले फातिहा तो फिर जो सा मेरे पर सारे ने काफ़ी रिक्वेस्ट सी कि सब वाले सामने व्लॉग ना बनाने चलो आज इन्होंने पूरी दिहाड़ी है सब व्लॉग बन सी है इसकी लाजमी लाइक भी कर सकते आंडिया गुआढ़ियों शेयर भी कर सकते जो कमेंट ना किया तो फिर माड़ा किला भी बनाना कि भाई खाली गल ही करने हो रिक्वेस्ट ही करने हो हुक्म ही देने हो शेयर शूर तो लाइक करो करना है सो अज दबा के लाइक कर सो निकल नकाश साहब काम जोरों शोरों जारी है नकाश साहब आज कोटी लाई हुई जिस दिड़ा है मैं रिजल्ट कटिया कि धुप होनी है ना उस दिन नकाश साहब मोटा जहा कोट लाई फिरने होना है जिस दिड़ा है मौसम साफ होना ना उस दिड़ा को और ही रंग होना इन्हना बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह छो आज सोचन फ्रंट सीट पर कब्जा हो गया कायद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू सलाम क्या हाल है जनाब ठीक है लेकिन आज एक चोरी पोड़ी की है ना क्या हुआ आज भेड़ा भरा की पता लगी गया नकाश साहब लेट जागने क्या कर रहे हो सर मैं सवेरे 6 बजे ने जाना 10 काम पुख्ता ही रहा मैं बाल अस कमाले बंदे हैं बेले बंदे कुछ जो लेनिया सब बस बेटा यार आने से फ्री थोड़ी है सर यार कसम है स्पॉन्सरशिप नाल जो लिया क्वालिटी जाहिर है हमजा साहब को तो खाई है उन्हें तो और देना कोई नहीं तो चलो आज इधर आस मैं दे के को पार्टी सेट ने लाण सी अभी बजा आएगा ना भिड़ो पिछले बार कुछ कैसे हो नाश्ता किया
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫੁਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਕਰੂੰ ਕਰੀ ਲੋ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੋਣਾ ਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਚੌਕ ਹੈ ਨਾਲ ਪੁੰਜ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ ਲਾ ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ ਲਾ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਹੀ ਜਨ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਲੈ ਚਲੋ ਕੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੇ ਆ ਜੁਨਾ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਮੀਰਪੁਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਾ ਕਾ ਮੀਰਪੁਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਏ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸੋ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਣ ਉਥਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਜਾਮ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੋ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਅਜੀ ਤਾਂ ਭੈਣ ਬ్రో ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰੀ ਹੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾਨ ਫਾਰਮ ਨਕਾਸ਼ ਸਭ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸਰ 850 850 ਮੈਂ 850 ਰੁਪਿਆ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਚੌਕ ਮੀਰਪੁਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੇਫਲੀ ਪਾਰਕ ਕਰੀ ਨਾ ਤੋਂ ਜੁਲਿਆ ਬੰਗੇ ਚਲਾਨ ਚਲਾਨ ਜਮਾ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਕਢਾਣਾ ਆਪਣਾ ਵੀਆਈਪੀ ਦਾ ਗੈਰ ਉਸ ਬਗਰ ਜਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੁਸ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਦੇਸਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਜੋ ਖਾਸੋ ਲਬਸੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੋ ਜਿਲੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਕਰਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਕੈਪ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਸ ਤੱਕ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਕਾਇਆ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਾਰ ਇਹਦਾ ਕੁੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਤੂੰ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 10 ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਟੁਰੇ ਸਾਂ 10 ਕਦਮ ਬਾਈ 100 ਕਦਮ ਟੁਰੀ ਰਿਆ ਚਲੋ ਕੋ ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਜੁਲਿਆ ਤੂੰ ਫਾਰਮ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਣਾ ਆ ਬਾਕੀ ਮੀਰਪੁਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਸਕਣਾ ਪ੍ਰਿੰਦ ਬ్రో ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਾਇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਆ ਕੋ ਖੇੜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਸੀ ਬਾਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਇਹ ਕਾਇਦੇ ਇਹ ਖੋਲੋ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੋਰ ਸ਼ੋਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੇ ਸਰ ਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੋਰੇ ਮੋਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨੇ ਵਾਹ ਮੈਂ ਭਰਾ ਕਾਇਆ ਪਹਿਣਾ ਤਾਂ ਭਰਾ ਕੋ ਕਿੱਡਾ ਡੇਡ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹੋਈ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਪਾਇਆ ਤੱਕ ਮਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਮਵਾਦ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਥਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਿਕਾਸ ਬਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲੀ ਪੜਾ ਤਾਂ ਸੋਣਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਅੜਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਅੜਕਣਾ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਖਿਆਲਾਤ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਰੋ ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਸਾਡਾ 58 ਔਰ ਕਾਇਦ ਨੇ ਮੱਥੇ ਪਰ شدید ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਆਲਮ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਰੋ ਪਰਚੀ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਾ ਬੰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੜ ਗਿਆ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲਗਾ 58 ਯਾਨੀ ਕਿ 58 ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤਨਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਕੁਛ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਸਲ ਬਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਗਏ 24 ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਬਈਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰਵਸ ਜਾਣੇ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਸ ਬਾਸ ਕੁਛ ਫਰਜੀ ਵੇਜ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਚਲੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਰੀ ਚ ਨੰਬਰ ਰਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਂ ਹੈ ਜੁਲਾਂ ਸੋ ਕੇ ਵੀਆਈਪੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਲਸਾਂ ਕਾਇਦਾ ਸੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਵਾਲਸਾਂ ਓਪੀਟੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੁਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚਾਣੇ ਰਸਤੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜੁਲੇ ਫਿਰ ਓਪੀਟੀ ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਣਿਆ स्वाद ऐसी चलो ਫਲੈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ ਉਹ ਡੋਨਰ ਹੈ ਬਸ
नकाश गड्डी चला के सी गया फाड़ी सट्टी ओड़ा साले बाद ते मगू रे जेदा बंता पण ते भराओ बिल आखर का टाइम होया जी टाइम टाइम बाऊ के बंदा मिगी का टाइम आंदा जी जनाब वाला हो गए 4 बजे ते 22 मिनट 4 बजे 22 मिनट ते कायद कितने बजे आए सा बा बा सा बा 8 बजे सवेरे आंदा ही ते 4 बजे जे बंदा पण ते भराओ इंदा तो लाइसेंस बैंक नौकरी करना लगा ओ बैंक वाले अंदर ही बैठे वैसे मैं पूछा क्या करने है बैंक ने मैनेजर आ मैं हुन इंतजार करो तो बड़ा एक लेंथी जो प्रोसीजर है वापस कार जो लिया ना तो एक्सपीरियंस कैसा रहा ये वेच कि मैं डिटेल विच बासा ये मिस ना करे आज मानल तो नकाश सामने क्या कुछ होया इसमें कार जुली बासा इतना बया ना बाबू जी ने मेहनत करन पापा मुड़ी दीजो जिला ठीक होया फिर मुड़ी दचे पेड़ों तो ब्रो घबराना नहीं ये जाए सन एक गुलाम रियासत ने सुप्रीम कोर्ट ने जज साहब वीआईपी प्रोटोकॉल है रात कायद इस कोशिश खाओ पकौड़े तो मैं भी खा लो तो मिली दा हो सुभान अल्लाह जी तो भैनों ब्रो फाइनली पापा सोना पहुंची है घर एक बड़ा लंबा दिन गुजरे और बड़ा मसरूफ तरीन दिन गुजरे यकीन करो अच हसया भी बड़ा आ तो रोया भी है दो चीज़ा हुई मिक्स जी सिचुएशन सी जिस तरह के सारे की पता आ माड़े थे कि दर्द हाथ फ्रैक्चर है सो जो इस टाइम मेडिकल करा गया तो डॉक्टर साहब आप तो नहीं सन है उन्होंने असिस्टेंट डॉक्टर सन जो उन्होंने मेरे को पूछा जी तो ठीक होया मैं जी फ्रैक्चर होया ओहो फिर तो नहीं सुना मेडिकल हो सकना तो मैं बड़ा मायूस होया कि मतलब पूरी दिहाड़ वेस्ट की और मेडिकल नहीं होगा तो उन्हें अगू मैं आया जनाब वैसे 150 रुपया फीस है 200 लग सी तो मैं कराई देना मैं जी ठीक है खुश इस वजह से होया कि चलो 50 रुपये दिन का कम हो गया और परेशान इस वजह से होया कि साढ़े इदारे और साढ़े जो मुल्क ने लाते वो इस हद तक पहुँच चुके हैं फिर जिस टाइम वापस पहुँचा ड्राइविंग टेस्ट देने वास्ते टेस्ट नहीं सी बेसिकली सिर्फ फॉर्म ही फिल कराना सी मैं नंबर गिना टोकन अपना कोई आलमोस्ट 11:30 ना टाइम से क्योंकि वीडियो दस्या भी है सी टोकन हिंदा जिस टाइम मैं 58 नंबर से माड़ा था उस टाइम अंदर बंदा गया हुआ सी 25 नंबर यानी कि 25 मैं जी खाना छाना खाने जिस टाइम मैं वापस आया ना को आलमोस्ट 2 घंटे से बाद 2.5 घंटे से बाद मैं वापस आया मैं पूछा कितना बंदा गया हुआ है जी 22 नंबर यानी कि पूरी दुनिया का जानिया तो साढ़े पिछे आने इसका मतलब होना कि थर्ड वेव ही होना वो तो समझी जाने सारे ही तो शायद कोई ना कोई जाने माड़ा भी निकली चल बेशुमार बंदे जाने लभे भी हैं कुछ की आखना तो मैं भी कराई के नाल लेकिन अगर हर बंदा इत कि शार्टकट लौटा ला पे सी और सिफारशा और पैसों पर कम करा लगा पाया तो फिर मुल्क ना पट्ठा वैसे ही बैठा हुआ तो मजीद बीजे सी सो कोशिश कराया करो लीगल वे अपने कम कराया करो कोई मसला नहीं दिहाड़ लगी गया तो फिर क्या कम अज़ कम मैं इस टाइम अपने घर पुरसकून तरीके बैठा हुआ मैं किसी ने एक तलफी नहीं की किसी ने टाइम नहीं खाधा हो सकना कोई कितना मजबूर हुई आया हुआ है जिसना जगह मैं गया हुआ सिफारिश के तौर पर सो एक बड़ा एक मैं समझना जमीर पर बोझ होना इंसान ने पर सो कोशिश करो है कि इस मुल्क ने बेहतरी से कुछ करो फिर वापस अच्छे कि जज साहब ने प्रोटोकॉल भी मैं दस्या अगर तो इन्हें अदालत ना हुई तो जज साहब गुस्ताखी माफ़ लेकिन कोई खतरा नहीं इस रियासत किसी बंदे की भी जितना आम आदमी महफूज है इतने अक्तर से भी महफूज हो और अगर तुम्हें लगना कि हम आदमी महफूज नहीं ना तो फिर मेहरबानी करो ना उन्होंने वास्ते कुछ सोचो ताकि वो महफूज बन तो ऑटोमेटिकली महफूज हो जासो प्रोटोकॉल बचाओ पेट्रोल डीजल बचाओ असा दुनिया ने इतना कर्जा देना जिसना कोई हिसाब नहीं शायद ही कोई दुनिया ने असा मुल्क इस को पाकिस्तान और कश्मीर भी ज़ाहिर चूंकि पाकिस्तान को बजट असा डिवाइडेड तो इन्हें अपने हिस्से ना असा भी कुछ ने लोन ना देना हुआ सो अल्लाह ताला दायत दे जी साढ़े हुक्मराना कि साढ़े लोगों की बहुत जल्दी मुलाकात उसी नए वीडियो नए ब्लॉग नाल पता थोड़ी जज्बाती गल्ला हो गई लेकिन जिस तरह सी ग्रूमिंग एक ऐसे एनवायरमेंट हुई है ना जिस तरह तुम कि लगना हुआ है कि बस कुछ दिहाड़ियों में सब कुछ ठीक हो जाए वापस ट्रैक पर और तुम अपने उम्र ने दरम्याने सिर पहुंचे हो कोई ठीक नहीं ना हो तो फिर माड़ी जी लात बंदे ने हो जाना सो लाइसेंस भी बनवाई आता तो पासपोर्ट भी बनवाई आता आई डी कार्ड भी मैं आई डी कार्ड लेके तो आया पापा आखिरी बार बनवाया लाइसेंस लेके भी मैं आ ही आया हूँ तक आखिरी होना या नहीं होना बहुत जल्दी मुलाकात उसी नए वीडियो नए ब्लॉग में तब तक सफी मानेला।